वक्री एवं नीच अवस्था में गुरु, कहीं लाभ तो कहीं संघर्ष शुरू। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले 3 भागों में हम वक्री गुरु महाराज के राशि परिवर्तन और राशियों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने सिंह और की कन्या राशि पर पड़ने वाले प्रभाव अध्ययन किया। आज के भाग में हम अगली 2 राशियाँ अर्थात तुला और वृश्चिक राशि पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। 14 सितंबर को गुरु महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ वे 20 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद मार्गी होंगे। साथ ही 20 नवंबर को वो पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु महाराज वर्ष में कम से कम 5 महीने वक्री अवस्था में रहते हैं। शनि महाराज भी हर वर्ष इसी तरह से वक्री अवस्था में रहते हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि ग्रह का वक्री होना कोई बहुत बड़ा परिवर्तन है, अर्थात यह कोई विशेष या अलग घटना नहीं है। यह एक सामान्य घटना है जो हर वर्ष होती है। भले ही यह घटना हर वर्ष होती हो, लेकिन उसके प्रभाव अत्यंत बड़े होते हैं। इस समय शनि महाराज स्वराशि में वक्री है। उससे भी महत्वपूर्ण घटना यह है कि पिछले कुछ दिनों से गुरु महाराज भी वक्री अवस्था में है और 14 सितंबर को वे कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसे निश्चित रूप से एक बड़ी घटना कहा जा सकता है। गुरु महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ नीच अवस्था को प्राप्त करेंगे, लेकिन वहाँ उपस्थित स्वराशि के शनि महाराज द्वारा उनका नीचभंग होगा। संक्षेप में वहाँ नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा, अर्थात यह योग भी कई बार होता है, तो इस समय निर्मित योग का विशेष महत्व क्या है? तो यह राजयोग तब हो रहा है जब 2 बड़े एवं महत्वपूर्ण ग्रह वक्री अवस्था में है, इसलिए यह निश्चित ही विशेष एवं महत्वपूर्ण घटना होगी। इस शुभ योग का अपना एक स्वतंत्र महत्व है, इसीलिए इस गुरु परिवर्तन का भी अपना ही एक स्वतंत्र महत्व है। यह पूरी घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस घटना के महत्व को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो पहला वीडियो अवश्य देखें। आज के भाग में हम तुला और वृश्चिक राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। सभी राशियों का विश्लेषण यदि एक ही भाग में किया जाए तो वीडियो अत्यंत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने कुल 6 भागों में विभाजित किया है, अर्थात एक भाग में केवल 2 राशियों का ही विश्लेषण होगा। जो लोग ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इस गुरु परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव समझना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आपके अध्ययन को एक नई दिशा अवश्य प्राप्त होगी। वास्तव में यही कारण है कि हम समय समय पर प्रत्येक ग्रह का गोचर उसके प्रभाव का विश्लेषण आपके लिए देते हैं। साथ ही जो लोग ज्योतिष प्रेमी हैं उन्हें केवल अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह समझना होगा। उनके लिए भी हमने एक विशेष सुविधा उपलब्ध की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राशियों का समय दिया गया है, अर्थात राशि का नाम और उसके सामने समय दिया है। यदि आप वहाँ क्लिक करते हैं तो आप सीधे अपनी राशि तक पहुँच सकते हैं, अर्थात अन्य राशियों का फल सुने बिना आप केवल अपनी राशि का भविष्य समझ सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष प्रेमियों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले। तुला राशि। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज आपके चतुर्थ में का आगमन होगा। पहले वे अतिचार गति से आपके पंचम स्थान में चले गए थे,
लेकिन जैसा हम कहते हैं कि ग्रह पिछले स्थान के अधूरे कार्यों की स्मृति होती है और वह वक्री अवस्था में उन्हें पुनः पूरा करने के लिए पुनश्च पिछले स्थान पर आता है। उस अनुसार गुरु महाराज वक्री अवस्था में आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। तुला राशि के लिए राशि स्वामी शुक्र महाराज प्रथम स्थान में मालव्य योग का निर्माण करेंगे। चतुर्थ स्थान में शनि महाराज द्वारा शशि योग की निर्मिति हो रही है, वे भी वक्री अवस्था में है। अब वहाँ गुरु महाराज का आगमन होगा। संक्षेप में दोनों वक्री ग्रहों की वह युति होगी और शनि महाराज द्वारा गुरु महाराज का नीचभंग होगा, अर्थात चतुर्थ स्थान में एक और राजयोग की निर्मिति होगी। साथ ही आपका व्यय भी व्यय स्थान में ही है। वास्तव में गुरु महाराज तुला राशि के लिए कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि वे आपकी कुंडली में तृतीय एवं षष्ठ स्थान के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग नौकरी या व्यवसाय के कारण घर से दूर स्थित है, उनके मन में घर वापस जाने की मनीषा जागृत होगी। वास्तव के लिए कुछ खर्च या नई वास्तु के लिए तीव्र मानसिकता बनेगी, उसमें वास्तु योग का भी निर्माण हो सकता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गुरु महाराज का यह गोचर तुला राशि के लिए भाग्यवर्धक रहेगा। जब हम गुरु महाराज की अमृत दृष्टि के संदर्भ में सोचते हैं तो चतुर्थ स्थान से उनकी पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पर, सप्तम दृष्टि दशम स्थान पर और नवम दृष्टि व्यय स्थान पर पड़ेगी। अष्टम स्थान से ससुराल का भी बोध होता है। अचानक धन लाभ के योगों को भी वहीं से देखा जाता है। फलस्वरूप गुरु महाराज आपको इस अवधि में ससुराल से लाभ, अचानक धन लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ जैसे विभिन्न लाभ दे सकते हैं, या जब वे पहले मकर राशि में थे तब कोई कार्य अधूरे छूट गए हो तो 20 नवंबर से पहले गुरु महाराज कुंभ राशि में जाने से पहले वे जरूर पूरे हो जाएंगे। उसके लिए एक सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके दशम स्थान पर पड़ेगी। दशम स्थान को कर्म स्थान के रूप में जाना जाता है, उसे व्यवसाय के लिए भी जाना जाता है। यह एक उपचय अर्थात बढ़ने वाला स्थान होता है। फलस्वरूप आपको उससे भी शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि वही गुरु एवं शनि जैसे दो बड़े ग्रहों की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। उससे आपके कर्म समृद्ध होंगे। कर्म में वृद्धि होना या कई नई योजना बनाने जैसे शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। वह योजना विदोषों से संबंधित होने की संभावना अधिक है, क्योंकि बुध और मंगल आपके व्यय स्थान में विराजमान है। वहाँ भी गुरु महाराज की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही रवि भी वही पहुँचने वाला है। संक्षेप में रवि मंगल बुध के साथ होने वाला गुरु महाराज का नवपंचम योग, उससे भी महत्वपूर्ण विषय यह है कि मोक्ष त्रिकोण के साथ होने वाला नवपंचम योग आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इस स्थिति का एक और प्रभाव होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, वह यह है कि तुला जातकों को विरक्ति आ सकती है या सांसारिक जीवन की बजाय धार्मिकता, मोक्ष और ईश्वर की ओर वे आकर्षित हो सकते हैं, अर्थात अध्यात्म में डूबे रहना, सात्विक कार्य करने की मनीषा उत्पन्न होना, धर्म से कर्म, ईश्वर के लिए कुछ करने की तीव्र इच्छा आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। उससे आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर गुरु महाराज का यह गोचर तुला जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज आपकी कुंडली में धनेश एवं पंचमेश होते हैं। अब वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात
भावाद भावम नियम के अनुसार धनेश धन के धन स्थान में प्रवेश करेगा, हालांकि वह वहां नीच अवस्था को प्राप्त होगा, लेकिन वहां उपस्थित स्वराशि के शनि महाराज द्वारा उनका नीच भंग भी होगा। कई प्रकार की यात्राएं उनकी इस स्थिति से स्पष्ट हो रही है। परिश्रम की भी कई बातें यहाँ से वे सूचित कर रहे हैं। तृतीय स्थान को उपचय स्थान माना जाता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार उपचय स्थान में वृद्धि के अवसर सदैव प्राप्त होते हैं। आपके तृतीय स्थान में शनि गुरु जैसे बड़े ग्रह वक्री अवस्था में है और नीच भंग राजयोग निर्माण हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके कर्म परिश्रम में प्रचंड वृद्धि होने वाली है। वैसे भी वृश्चिक रास कर्म प्रधान रास के रूप में मानी जाती है। इस अवधि में आपके लिए यात्रा के कई योग बनेंगे। विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं, वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। संक्षेप में यह गोचर आपके लिए कई मायनों में लाभकारी रहेगा। गुरु महाराज की अमृत दृष्टि के संदर्भ में विचार करें तो तृतीय स्थान से उनकी पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी, फलस्वरूप वैवाहिक योग बन सकते हैं। जो जातक पिछले कई दिनों से विवाह के लिए प्रयत्नशील है, उनके लिए अचानक से विवाह के प्रस्ताव आएंगे। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि भी यहाँ से स्पष्ट है। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। मनुष्य को सफल होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक है प्रयास और दूसरा है भाग्य। यदि भाग्य का साथ न हो तो प्रयास विफल होते हैं। साथ ही भाग्य मजबूत हो तो प्रयास कम करने से भी सफलता प्राप्त होती है। गुरु महाराज के इस शुभ गोचर से वृश्चिक राशि के लिए प्रयास एवं भाग्य दोनों का ही सहयोग अच्छा रहेगा और उन्हें शुभ फल प्राप्त होंगे। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। वहाँ बुध मंगल ग्रह विराजमान है। 16 सितंबर को रवि भी वहाँ उपस्थित होगा। इन तीनों ग्रहों का गुरु महाराज के साथ नव पंचम योग बन रहा है। यह लाभ परिश्रम स्थान के बीच होने वाला नव पंचम योग है। आपको परिश्रम से भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आप प्रचंड परिश्रम करेंगे और उतना ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ स्थान में आने वाले सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। आपके लाभ स्थान पर रवि मंगल बुध जैसे ग्रह विराजमान होंगे, साथ ही उन पर गुरु महाराज की शुभ दृष्टि होगी, फलस्वरूप लाभ में प्रचंड वृद्धि। यह आपके लिए इस गोचर की विशेषता हम कह सकते हैं। हालांकि यह सच है कि उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ नीच भंग राजयोग कर रहे हैं। इस अवधि में आपको जो भी प्राप्त होगा वह संघर्ष के बाद प्राप्त होगा, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस प्रकार तुला एवं वृश्चिक राशि पर गुरु महाराज का गोचर समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।